Zindabad, Sathyo. Namaskar, Assalamualaikum, Jai Bhim. आज यहाँ आप सब लोगों के पास आके कहीं पर भी मैं बाहर गई हूँ इस तरह का फीलिंग नहीं आ रहा है. ये नहीं कि घर को घर में स्त्री को अच्छा लगता है, पर ये लग रहा है कि जैसे मैं अपनों के बीच में आई हूँ. क्योंकि सारे जो संयोजक हैं अभी जो राष्ट्र सेवा दल की जो है वहाँ पे मेरा बचपन बीता. जवानी की जो शुरुआत हुई वो सारी छात्र युवा संघर्ष वाहिनी जेपी आंदोलन से हुई, तो बिहार से भी बहुत नज़दीक का ताल्लुक रहा है. बोधगया से लेके बम्बई की झुग्गी झोपड़ियों में जो काम करते थे तो उसके साथ में रहा है. अभी जीजी है यहाँ पर, जीजी काका कहते थे हम जैसे बड़े हो गए, ऐसे समाजवादी आंदोलन के साथ में बचपन पूरा बीता मेरा. मेरे माँ पिता दोनों ही समाजवादी पार्टी के सदस्य थे, ट्रेड यूनियन वाले थे. और अभी जो ये सारे दोस्त हैं, लोकायत है, बाकी सारे हैं, ये तो बिल्कुल ही अपने सारे हैं. तो अपनों के बीच में आके वहाँ पे ट्रंप की शपथ विधि हुई तो क्या हुआ? हम भी ट्रम्पेट बजा सकते हैं उसके, कोई हम भी लोगों का बैंड बजा सकते हैं. इसलिए कोई कोई ट्रंप आए या 56 इंच की छाती आए, कोई हमें कोई किसी से डर नहीं है. आज जो मैं आपके सामने रखने वाली हूँ, कुछ थोड़े बहुत जो है वो बात करते करते भी आपसे कोई बात करूँगी, वो ये है कि पितृसत्ता और जेंडर जिसको कहते हैं, उसको मराठी में हिंदी में कोई उसी तरह की का ट्रांसलेशन नहीं है. इसलिए मैं फ़िलहाल, जैसे हम कहें कि टेलीफोन को दूरध्वनि बोले तो लोग बोलेंगे अरे मराठी में बात करो, हिंदी में बात करो, टेलीफोन बोल दो, तो इस तरह का ये जेंडर जो है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करूँगी कि महिलाओं के ऊपर इसका असर क्या होता है, साथ साथ में पुरुषों के ऊपर या फिर इन दोनों के बीच में जो फंसे हुए लोग हैं, जिनका शरीर कुछ कहता है, जिनका मन कुछ कहता है, इन सब लोगों के ऊपर क्या असर करती है पितृसत्ता, क्या असर करती है जेंडर, और क्या हम डर के चुप बैठने वाले हैं या फिर हम इसको जो है इसका प्रतिकार करने वाले हैं. और ये अच्छा हुआ कि मार्टिन भाई का मेरे पहले हो गया, क्योंकि अपने देश में पितृसत्ता को अगर हमें चैलेंज करना है तो यहाँ पे जाति व्यवस्था को चैलेंज किए बगैर वो चलेगा ही नहीं. और वो उसकी वजह आप जानते भी हैं, पर उस वजह को मैं फिर बाद में फिर से दोहराऊंगी. ये पहले माना गया है, जैसे आपने बताया कि जैसे लड़का या लड़की पैदा हुए कि शरीर पे कुंडली लिखी जाती है, ये नहीं कि वो क्या करना चाहती है, उसके सपने क्या है. वो अंधेरे से डरता है भाई, उसको भूत से डर लगता है, वो नहीं कमाना चाहता पूरे परिवार के लिए, वो नहीं आर्मी में जाके वहां पे शहीद होना चाहता, ये जो है उड़ना चाहती है, ये कुछ नहीं देखा जाता. उसके शरीर पे कुंडली लिखी जाती है सिर्फ क्योंकि वो एक मर्द या स्त्री का शरीर पैदा करके आते हैं. अब वैसे अगर सोचे इस तरीके से जो मैंने अभी रखा है तो कितना बेतुका है ये, और इसको हम इतना नैसर्गिक मानते हैं, इतना प्राकृतिक मानते हैं कि औरत जो है ये प्यार का झरना ही है, जो झरना कभी सूखता ही नहीं, दिए की बाती है जो जलती रहती है लेकिन उसको बुझने की भी या मैं नहीं जलूंगी कहने की उसको इजाजत नहीं है. वो लड़का जो है उसको पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि उसको भाई कमाना है, और उस आदमी को सोना ही सोना है क्योंकि कल सुबह उसको जाके दफ्तर में बैठना है या खेत में जाके बैठना है. सारे के सारे जो है इस व्यवस्था के विक्टिम्स हैं. खुलेआम जलती है वो औरत, क्योंकि जब पानी यहां तक आता है तो मैं खड़ी रहती हूं बिरबल की वो बंदर के जैसे, मैं किसी को मेरे नीचे डाल के मैं तालाब में या हौद में खड़ी हो जाती हूं ताकि मेरे नाक तक पानी नहीं आए. तो ये गौर से सुनिए, अपने देश में बहुसंख्य मर्दों की परिस्थिति क्या अच्छी है, क्या लगता है आपको? नहीं है. दलितों की नहीं है, गरीबों की नहीं है, अल्पसंख्य मजहब जो है उनकी नहीं है, जो विस्थापित है उनकी नहीं है, जो सड़क पे रहते हैं उनकी नहीं है,
जो पुलिस कस्टडी में हम अब बात कर रहे हैं, जो पीटे जा रहे हैं उनकी नहीं है, जो जेलों में है, जो मेंटल हॉस्पिटल्स में है, इनकी किसी की भी परिस्थिति अच्छी नहीं है। भाई और बहनों, मेरे गांव में अगर आप हीमोग्लोबिन निकालिए, सोना तो बहुत उगलते हैं हम लोग, है ना, सोने से तो हम कभी नहीं कहते कि काफ़ी हो गया सोना, हा? हीरे चाहिए हमको, यूरेनियम चाहिए, इसके लिए हम हमारे जो है सारे आदिवासी लोग हैं उनको उठा के कहीं जाए, कहीं बसे, हमें क्या करना है, मरी जाएंगे और क्या करेंगे। पर हम अपने लोगों के खून में सोना नहीं, हम अपने खून में लोहा तक नहीं डाल सकते। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन लोहे से बनता है। सादा लोहा हम अपने लोगों के खून में, रगों में नहीं डाल सकते। और अगर हमारे गांव में अगर आप हीमोग्लोबिन करेंगे तो बहुत संख्या मर्द भी एनीमिक है। ये नहीं कि मर्दों का हीमोग्लोबिन कोई 13 है, 14 है, ऐसा नहीं है, उनका भी ऐसे है, 8 है, 9 है, 10 है, किसी का 5-6 भी है। तो फिर मैं कहने क्या जा रही हूं, मैं ये कहने जा रही हूं कि मर्दों की परिस्थिति बेहतर है ऐसा नहीं, लेकिन उस घर के अंदर, उस किनशिप के अंदर, उस कुल के अंदर, उस जाति के अंदर, उस गांव के अंदर औरत की परिस्थिति उससे भी ज्यादा बदतर है। और इसलिए महात्मा फूले कहते हैं, ज्योतिराव फूले कहते हैं, स्त्री शूद्राति शूद्र, शूद्रों में सबसे जो शूद्र है वो स्त्री है। तो कई बार ये सोचा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आदमी जन्म लेता है, ये नहीं कि सबके पास प्रॉपर्टी है, ये नहीं कि वो किसी बड़े प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बनेगा, लेकिन आदमी जन्म लेता है तो कम से कम आसमान का एक टुकड़ा तो वो चुन सकता है, जमीन का नहीं तो आसमान का। सही, औरत के लिए ना जमीन ना आसमान, त्रिशंकु जैसे वो बीच में लटकी हुई जिंदगी भर है, बचपन में पिता, फिर पति, फिर बेटा, इन सबके ऊपर परावलंबन नहीं होते हुए भी परावलंबी है। अब आप देखिए, औरत मर जाती है हमारे गांव में, मैं दिखती हूँ शहरी, मैं काम करती हूँ गांव में, गांव में अगर देखे औरत मर जाती है तुरंत कहते, अरे क्या करेगा, बच्चे कैसे संभालेगा, बच्चों के नाम पे दूसरी औरत लाई जाती है। और कौन औरत है जो आते आते ही और बच्चे संभाले, आप सोचिए। कई बार तो बहुत साशंक परिस्थिति में उसकी पहली औरत मरी हुई रहती है, तो जिसको ऐसे पति को दिया जाए उसकी मायके में परिस्थिति क्या होगी, आप जरा सोचिए, गौर कीजिए। और कुछ दिनों में ही ये बच्चे जो हैं ये अपने नानी के घर, नाना के घर पहुंच जाते हैं, वहां पे उनकी जल्दी शादियां की जाती है, वहां पर उनकी पढ़ाई भी रुक जाती है। और औरत मरती, आदमी मरता है तो जो परावलंबी मानी जाती है औरत, उसको दूसरा आदमी करने की इजाजत नहीं। कितने कॉन्ट्रडिक्शंस है पितृसत्ता में, सोचिए। अगर मैं परावलंबी हूं तो फिर मेरी तुरंत दूसरी, मेरा मन किया तो शादी करवा दीजिए या मैं कर लूंगी ना। मैं अगर बच्चे नहीं पैदा करती हूं तो मुझे कहा जाता है तुम्हारा बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग, जल्दी 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 बच्चे पैदा कर लो। अगर मेरा आदमी मर जाता है तो मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक क्या बंद हो जाता है? बायोलॉजिकल क्लॉक है, तब मेरे लिए कोई इजाजत नहीं बच्चा पैदा करने की, या मैंने शादी नहीं की तो मुझे कोई इजाजत नहीं बच्चा पैदा करने की। कॉन्ट्रडिक्शंस देखिए, मैं सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शंस आपको दिखा रही हूं, सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शंस मैं आपको बता रही हूं। एक अभी तमिल फिल्म थी कुछ समय पहले की, उसमें औरत बहुत बीमार है और उस बीमारी के दौर में भी आदमी उसको कह रहा है तुम हल्दी कुमकुम करो, तुम ये सारे करो, तुम सुहागन मरने के जो है वो सारे जो है वो अपना करो, क्योंकि अब तुम सुहागन मरने वाली हो तो इसलिए तुम सुहागन मरने के सारे जो है रीति रिवाज वो तुम करो। फिल्म के अंत में आदमी मर जाता है, औरत तो है बीमार, आदमी मर जाता है और औरत उसके पास में आके रोती है और कहती है कि तुमने आज तक कभी जाना ही नहीं कि जब हर वक्त
मैं करती थी वो रीत और रिवाज, मैं ये मांगती थी कि तुम मेरे से पहले चले जाओ, क्योंकि तुम मेरे बगैर क्या कर लेते, मैं तो जी सकती हूं तुम्हारे बगैर। तो आदमी जो है उसके ऊपर जो औरत की पावर है, वो एक तो मां जिंदगी भर दूध का हिसाब मांगती रहती है, मेरे पेट में से जने हो, पेट में से जने हो, दूध पिया है, ये सब किया। मैं मानती हूं कि अगर नहीं मेरे माँ या पिता या किसी ने अडॉप्ट किया हो बच्चा, तो क्या वो पेरेंट्स नहीं है? तो इसलिए सॉफ्ट पावर जो है ये औरतों की मर्दों पर चलती है, और सबसे ज्यादा चलती है बेटे के ऊपर, और बुढ़ापे में जाके थोड़ी सी अपने पति के ऊपर जब वो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाता है, तो सॉफ्ट पावर जो है वो वहां पे चलती है। या फिर कहा जाता है औरत बहुत मैनिपुलेटिव होती है। अब मैनिपुलेटिव कौन होता है? जिसके साथ सीधे सीधे व्यवहार ना करो, उसको जिंदा रहना है तो मैनिपुलेशन करेगी करेगी, बोलेगी वो। अब डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे किसने कहा, कई सारी औरतों के घर से नोट्स निकले, कहां दिए उन सब ने जाके, अपने पतियों को दिए, पिट भी गई रात को। डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट घर के ऊपर जो औरत की जो बैंक है उसके ऊपर वहां तक जाके हो गया। पर सॉफ्ट स्किल्स जो है या सॉफ्ट मैनिपुलेशंस जो है ये बिल्कुल काम नहीं करते, क्योंकि हार्ड पावर जो है ये पितृ सत्ता और जाति के अंदर है। थोड़ा बहुत आपको बहलाया जाता है, थोड़ा बहुत आपको दिखाया जाता है कि आपके पास पावर है। अब लोग कहते हैं सास के पास बहुत पावर है। अब देखिए मेरा एक बेटा है, मेरी एक बेटी है, तो मैं सास कितनी बार बनूंगी अगर जो दोनों ने शादियां की, तो कितनी बार बनूंगी? दो। तो क्या दोनों में मेरी इज्जत ज्यादा बढ़ेगी? क्यों नहीं? दो शादियां जो हो गई, क्यों नहीं? कौन से में मेरी बढ़ेगी ताकत इज्जत? बेटे की शादी में। बेटी की शादी में मैं और गिड़गिड़ाऊंगी कि देखो उसको पूरा खाना बनाना नहीं आता, पढ़ रही थी ना, परेशान मत करो, कुछ भी हो गया तो मुझे कहो। और साथ में मैं बेटी को कहूंगी इतना नहीं सीख सकती, उसको इतना ही तो अच्छा लगता है, दो चार सीख लेगी तो क्या होगा, फर्क पड़ेगा। और बेटे की शादी में वो कहते हैं ना बेटे बेटे की माँ रानी होती है, इसका मतलब क्या? थोड़ा सा डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, फ्लैशबैक। मैं जवान हो गई, मेरे पीरियड शुरू हो गए, उसके बारे में खुलेआम बोलना तो नहीं है, पर गौना शोना जो भी करना है वो करना है, ताकि दिखाया कि अब हमारी बेटी जो है वो विवाह के लायक हो गई। अब उसके बाद मुझे क्या करना है आप बताइए? परिवार की जो है वाहवा पाने के लिए मुझे क्या करना है? बच्चा पैदा करना है शादी से पहले, पहले काम, फिर उसके बाद में शादी। कौन सी? अपने मर्जी की? नहीं, किसके मर्जी की? अपने माँ पिता के। वो कौन सा ढूंढ के लाएंगे? दूसरी जाति का, दूसरे मजहब का, ज्यादा कमाने वाला दूसरे मजहब का? नहीं, कौन से मजहब का? उनके मजहब का। कौन सी जाति का? उनकी जाति का। कौन से सबकास्ट का? उनकी सबकास्ट का। वहां से वो लाएंगे लड़का, और तब करेंगे मेरी शादी, तभी होगी शादी की पार्टी। कितनी देखिए इफ 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 एंड बट है। अगर मैंने अपने मर्जी की शादी की, जो आज पुलिस स्टेशन में बोलते हैं सैराट के साली, सैराट नाम की एक बहुत बढ़िया फिल्म है, आप जरूर देखिए, महाराष्ट्र में आए तो आप जरूर देखिए, कहीं पे ही आप अपने पेन ड्राइव पे लेके जाइए, तो कहते सैराट केस आ गई है। अगर मर्जी से मैंने शादी की तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं कई बार सोचती हूं कि हम आपके है कौन। 3.5 घंटे का शादी का वीडियो है ना, है ना? आप किसी के घर पे जाए उनकी शादी का वीडियो आपको बेटे के जरूर दिखाएंगे, आपको देखना हो ना देखना हो। हाँ, पर ये जो 3.5 घंटे का शादी का जो वीडियो है, दीदी तेरा देवर दीवाना है ना, मैं ये सोचती हूं कि वो भाभी जो
बच्चा पैदा करने वाली है उसकी अगर शादी ना हो गई होती तो क्या ये गाना होता? क्या लगता है आपको, होता क्या? नहीं होता। क्या होता? मातम, मातम मच जाता। पता नहीं उस लड़की को किसी कहां पे ले जाते। अगर वो भाभी शादीशुदा ना होती, शादी से पहले ये सारा होता, पता नहीं कहां ले जाती, किस हालात में उसके अबॉर्शन कराते। हमने कई कराया, बच्चियों को लेके आए हैं, कई बार बाप की बच्ची। बाप से एक बार मैंने पूछा, वो सारा बाप खड़ा है, सपोर्ट कर रहा है। मैंने सोचा अरे वाह, पूरा ससुन हॉस्पिटल तक बाप हमारे साथ आया। फिर पता चला कि अपने बाप का ही बच्चा था वो। सब होने के बाद में मैंने बाप से पूछा, अब तो सब कुछ करवा दिया, ऐसा आपने क्यों किया? उसने मुझे क्या कहा, मेरे पेड़ का फल मैं पहले ना चखूं तो कौन चखेगा? ये दोस्तों है महाराष्ट्र राज्य के प्रगत पुणे जिले की बात मैं कर रही हूं। तो ये करने के बाद में 15वें दिन के अंदर उसकी शादी कहीं और करा रहे थे। आप सोचिए, अबॉर्शन करके आई हुई लड़की, क्यों? क्योंकि दूसरे पार्टी तक ये बात नहीं पहुंचे। और मैंने पूछा, अगर बात पहुंच गई तो शादी तो हो गई ना। एक बार काले जो हैं वो लेके आएगी घर पे, वो हम संभाल सकते हैं, लेकिन बिना शादी की लड़की जो है वो मराठी में जैसे कहते हैं, तळ हातावरचा निखारा, अपने तलुए के ऊपर जलता हुआ कोयला है। बिना शादी के जो बच्ची घर पे है, शादी के बाद पता चल गया, खाएगी मार वापस आएगी, लेकिन किसी आदमी का नाम तो लगेगा। आप देख रहे हैं सॉफ्ट और हार्ड फर्क, आप देख रहे हैं कौन जलता है और कौन कहता है कि कम करो और ज्यादा करो। तो अगर शादी से पहले बच्चा पैदा हुआ तो मेरे लिए कोई स्थान नहीं है, तो मुझे शादी करनी पड़ेगी। फिर बेटा पैदा करना पड़ेगा, बेटा पैदा करके मुझे उसको बड़ा करना पड़ेगा, शादी लायक बनाना पड़ेगा। अब भाइयों और बहनों, मैंने इतने साल प्रीमियम भरा है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो साथ में मुझे बोनस बहु तो मिलेगी ना। ये मेरी पॉलिसी कैश हो रही है। बेटी को बड़ा करने में मुझे कोई लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी जाती नहीं है, ये कोई प्रीमियम नहीं है जिससे मुझे कुछ आगे मिलने वाला है। मेरे पार्टनर जो है वो पंजाबी है, मेरे सास ससुर मुझे कहते थे, पंजाबी में कहावत है कि जिस भी उम्र में लड़की मर जाए वो अपने 7 पुश्तों को मुक्त करके जाती है। क्योंकि जब बेटी की शादी होगी तो साड़ी कौन सी पहनाते हैं महाराष्ट्र में, किसके घर की? बताइए, मामा के घर की। मतलब बेटी की शादी हो रही है मेरी और उसकी साड़ी आ रही है मेरे मायके से। सोचिए, इतना भिखारी है मेरा ससुराल कि उनकी अपनी बेटी के ऊपर साड़ी नहीं डाल सकता, वो भी मां के मायके से शादी, मां के मायके से जो है वो साड़ी वहां से आएगी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो है दहेज, ये चलता ही रहता है, दहेज कभी खत्म नहीं होता। और दहेज जो है ये मेरे पति को जाता है, ये मुझे नहीं मिलता। और इसलिए अपनी लड़ाई जो है वो दहेज के खिलाफ और समान संपत्ति के अधिकार के लिए है, जो बाबा साहेब अंबेडकर ने बहुत जो है हिंदू कोड बिल में बहुत अधोरेखित किया हुआ है कि समान संपत्ति का अधिकार जो है वो औरत को होना चाहिए। आज शासन ने तो दे दिया, धर्म के नाम पे कुछ औरतों का नहीं भी दिया। और कहते क्या है, देखो उन धर्मों के लिए ना उनके जो है उनके हम नहीं, जो उनकी भावनाएं जो है उनको हम नहीं तकलीफ दे सकते। अरे भैया, बाकी सारे कानून एक जैसे, और घर के अंदर जाओगे, दहलीज के अंदर जाओगे तो कानून अलग। ये कौन सा संविधान है?
ये जेंडर इशू है, ये मजहब का इशू नहीं है, और इसलिए बहुसंख्य जो है अपने देश के, उनको दिखाने के लिए बहुत आसान है, देखो उनकी औरतें बेचारी किस तरह से अंदर है, और उस औरत को अब हम चाबुक बनाएंगे उस मजहब के मर्द को मारने के लिए। लेकिन हम ये कभी नहीं कहेंगे कि उस घर के औरत के हक बहुसंख्य मर्द के बराबर होंगे, बहुसंख्य मर्द के बराबर होंगे। वो जब हम कहेंगे तब ये जेंडर का मुद्दा जो है, ये जेंडर का मुद्दा बनेगा। तो ये जेंडर जेंडर जो मैं बोल रही हूं वो ये है कि मैं बचपन से जो मेरे शरीर के ऊपर लिखी गई जो है मेरी कुंडली, उसको मैं निभाऊं तो फिर ये हम आपके है कौन जैसा मेरा हो जाएगा। पति के साथ रह के वहां पे बेटा पड़ा करके मैं जब शादी करती हूं तो वो दुल्हन मेरे घर आएगी। अगर यहां बीच में कहीं पर भी मैं कतराई, मुझे खाना बनाना नहीं अच्छा लगता, अरे तू पिटी जाओगी ना, मुझे शादी नहीं करनी है, पहले तो पूछते औरत को आपकी शादी हुई नहीं, औरत शादी करती नहीं है, उसकी हो जाती है, लग्न झालं नहीं, केलं नहीं, झालं नहीं लग्न, अपने आप हो जाती है शादी बैठे बैठे। हाँ, तो अगर जो मैंने शादी की नहीं तो कहते शादी तो सिर्फ करो ना, फर्क क्या पड़ता है, ठीक है मैंने शादी कर ली, अब मैं कहती हूं मुझे बच्चा नहीं पैदा करना, फिर शादी क्यों की, ठीक है बच्चा भी पैदा कर लिया, अब मुझे नहीं अच्छा लगता बच्चा देखना, कैसी डायन है, बच्चे देखना इसको अच्छा नहीं लगता, ये खाना नहीं टाइम पे बनाती, सारा परिवार बैठा रहता है ऐसे 6:30 बजे घड़ी की तरफ देखते हुए, 7:45 को बहू आती है तो सबको चाय मिलती है, और सारा जो है घड़ी की तरफ ध्यान है कि ये कब आएगी, और सबके चेहरे फूले हुए। तो ये रोल निभाते निभाते भी औरत मर जाती है, रोल ना निभाए तो फिर तो उसको मारने का, पिटाई से लेके जिंदगी उसकी गवाने तक का अधिकार अपने आप से पितृसत्ता को मिल जाता है। तो ये जो हमसे उम्मीदें की जाती है कि क्योंकि मैं मर्द हूं मुझे ये करना है, क्योंकि मैं औरत हूं मुझे ये करना है, इसको हम जेंडर कहते हैं, ये भूमिकाएं हैं। तो इसलिए अगर कोई औरत मेरे जैसी यहां पे आके बोलती है, या मारी क्यूरी जैसी जो नोबेल प्राइज पाती है, तो मारी क्यूरी के आत्मचरित्र में भी, क्लास में, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में मारी क्यूरी के ऊपर एक है लेसन है, उसमें लिखा गया था वो कैसे उत्तम गृहिणी थी। मैंने कभी नहीं सुना सोक्रेटिस के बारे में या तोलस्तोय के बारे में, या कभी नहीं सुना मैंने कि वो अच्छे पति थे। हालांकि सोक्रेटिस, तोलस्तोय, इन सब की औरतें, सोक्रेटिस की पत्नी जानतिपी के बारे में तो कितना बुरा, संत तुकाराम की पत्नी के बारे में कैसे लिखा गया है। अब क्या करेगी औरत, संत तुकाराम तो मेरे लिए बहुत आदरणीय है, बहुत बहुत आदरणीय है, और उनको तो मार डाला, उनके पहले तो ग्रंथ गिराए गए, इंद्रायणी में फेंके गए, फिर उनको मारा गया क्योंकि उनका जो है वो लिखा हुआ हजम नहीं हो रहा था यहाँ के ब्राह्मण्यवादी पूरे समाज को। पर वो करेगी क्या जब जो है कुंभार का काम नहीं हो रहा है और मिट्टी घर पे है तो घर नहीं चला पा रही है। तो ये महापुरुष जो है इनकी पत्नियों के बारे में बहुत विडंबन, रोज आपके व्हाट्सएप पे आते ही होंगे पत्नी का विडंबन आता है, आज कितने, आज पिछले हफ्ते में कितने लोगों के व्हाट्सएप पे पत्नी के विडंबन की आ गए कोई जोक्स, 20-30%, 30-40% लोगों के पास तो पत्नी के ऊपर कोई बनाए हुए जोक्स हमारे पास आ ही जाते हैं। तो औरत जो है वो अपने काम करे, नहीं करे तो मुसीबत, और आदमी जो है वो अगर ना कमाए, वो अगर घर ना चलाए, तीन औरतें जा रही है, अरे अकेली कहां जा रही हूं, अकेली 1, 2, 3 तीन है, हम अकेली कहां पर है, हा?
पर उनके साथ इतना छोटा बच्चा हो, कहते चलो ठीक हो गया, अब आपको मेरे साथ लगा दिया अंधेरे में कहीं जाने को, और वहां पे चाकू छुरे लेके बंदूकें लेके कोई आ गए, आप क्या कर लोगे भैया, क्या कर, कुछ नहीं कर सकते। पर आपके ऊपर ये एक्सपेक्टेशन है कि आपको कुछ करना चाहिए, आप वहां पे चुप रहेंगे, चुप रहना नहीं चाहिए, ये सही बात है, मैं भी नहीं चुप रहूंगी अगर मेरे किसी भाई या बहन के ऊपर कोई जुल्म हो रहा है, लेकिन आपसे उम्मीद है मुझे बचाने की, सॉलिडारिटी दिखाने की नहीं, बचाने की आपसे जो है वो समाज की उम्मीद है। अगर आपकी नौकरी चली जाती है, खुदा ना खास्ता, मैंने देखा हुआ है मर्द टिफिन बॉक्सेस लेके दो दो महीने तक जाके पार्क में बैठते हैं, पेपर पढ़ते हैं, उनकी हिम्मत नहीं जुबान पे अपनी जो है जीवन की साथी, अपनी पत्नी से भी बताने की हिम्मत नहीं है हफ्तों तक कि मेरी नौकरी चली गई है। ये करती है पितृसत्ता मर्दों के और बीच में, हमको कहते हैं तुम जाके लड़ाइयां लगाते हो, हम कहते हैं नहीं जी, हम सिर्फ आके बताते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है, हम कहते हैं प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट है, अक्यूट कॉन्फ्लिक्ट भी है, और हम ये कहते हैं कि इसको पीस जोन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो मर्दों के और औरतों के बीच में ये जो सत्ता संबंध है ना, इसको आप कृपया दूर करें। काम खत्म होने पे घर पे जाते हुए मेरे कदम इसलिए तेज होने चाहिए कि वहां पर मेरे प्यार का कोई है, मुझे अच्छा लगता है वहां जाना, इसलिए नहीं कि मैं डरती हूं, इसलिए नहीं कि रोटी कपड़ा और मकान और यहां पे लगा हुआ या कहीं और 20 जगह पे लगाया हो सुहाग का जो है चिन्ह, उसकी वजह से मैं जा रही हूं, मैं डर के जा रही हूं, और आदमी भी जो है वो मुझे जब विदा करता है या वो जब खुद घर आता है तो उसके कदम भी इसलिए तेज चले कि उसको पता है कि उसी की तरह एक दूसरा इंसान इस घर में रहता है। तो जब तक हम सिर्फ मर्द या औरत बनकर रहते हैं, हमें इंसान बनाने की कोई जो है टेक्निक हमारे पास नहीं है। आप रो नहीं सकते, आप बता नहीं सकते आप लाइफ में फेलियर है, मर्द जो है उनको कॉन्स्टेंटली उसकी तनख्वाह कितनी बड़ी, उसने सोने के गहने कितने पहनाए, मैंने अपनी पत्नी को सोने का गहना कौन सा पहनाया, ये जो है इसके ऊपर आपकी गाड़ी कितनी बड़ी है, आपकी पोजीशन कौन सी है, इसके ऊपर आपका जो है बड़प्पन डिपेंड होता है। और मेरे ऊपर आप अगर मुझे लोहे के पहनाएंगे, बेड़िया अगर लोहे की पहनाएंगे तो मैं उनको खनखनाऊंगी, मैं तोड़ने की कोशिश करूंगी, पर अगर वो बेड़िया सोने की हो तो मैं और मांगती रहूंगी और मांगूंगी। अब ये बेड़िया क्यों है, इनको पहन के मैं कहीं दूर जा ही नहीं सकती, घर से अपने आप नहीं जा सकती। तो अंतोनियो ग्रामशी नाम के इटालियन मार्क्सिस्ट थे जो वहां के इटली के मुसोलिनी के जेल में मर गए। ग्रामशी कहते हैं कि आपको अगर किसी के ऊपर कंट्रोल करना है तो आप सिर्फ हिंसा से कंट्रोल नहीं कर सकते, हिंसा जरूरी होती है किसी भी व्यवस्था के लिए, क्योंकि जो अगर मानिए सारी जा रही है बकरियां जा रही है तो जो बीच बीच में बकरी जाती है वो विवाहित है, वो बच्चे पैदा कर रही है, वो घर के सारे काम कर रही है, तो उसको कुत्ते बाहर के दिखाई भी नहीं देते, वो कहते कहां जी, मैं तो हल्दी कुमकुम में जाती हूं, मैं तो बड़ा मंगल होता है, बड़ा शुभ होता है वहां पर जो विधवा जो नहीं बुलाई जाती है वो तो हाशिए पे है, और जो हाशिए पे है बकरियां जो कत्ल खाने में जाने को इनकार करती है उनको कुत्ते जो है वो लाइन पे लाते हैं। तो निर्भया अकेली थी क्या, रात को अकेली क्यों गई थी, नहीं जी वो लड़कों के साथ थी, हाय लड़कों के साथ थी,
मतलब मैं घर के बाहर जाऊं तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं क्यों वहां पे उस वक्त क्या कर रही थी। मैं बिना वजह के घर के बाहर नहीं जा सकती, और अगर मैं जाती हूं तो फिर मेरे ऊपर हिंसा हुई, मेरे ऊपर बलात्कार हुआ, तो 100 लड़कियों का स्कूल बंद हो जाता है, 1000 लड़कियों का उस सड़क पर से जाना बंद होता है। सारे सवाल पूछते हैं, मनीषा उस वक्त क्या कर रही थी, कोई ये नहीं पूछता कि सड़क पे अंधेरा क्यों था, कोई ये नहीं पूछता कि मनीषा के कपड़े ऐसे क्यों थे जिसमें वो भाग नहीं सकी, कोई ये नहीं पूछता कि उस लड़के को ऐसा बड़ा क्यों बनाया गया कि किसी के मर्जी के खिलाफ लैंगिक रिश्ता जो इतना सुंदर है, ये लैंगिक रिश्ता क्या बोला जाए, लैंगिक उसके ऊपर अत्याचार करके उसको खुशी मिले, ऐसा इंसान कैसा पैदा किया गया, कैसे बड़ा किया गया, ये सवाल कोई नहीं पूछता। और इसलिए निर्भया के बाद में पोस्टर्स लगे थे, मुझे मत सिखाइए कौन से कपड़े पहने हैं, आपके बेटे को सिखाइए कि बलात्कार ना करें। तो ग्रामशी जैसे कहते हैं, अगर मैं रात को बाहर रही तो मेरे ऊपर बलात्कार, अगर मैं घर के अंदर रही तो फिर ठीक है, पितृसत्ता का मुझे सुंदर चेहरा दिखाई देता है, दीदी तेरा देवर दीवाना, वो बहुत सुंदर। उस फिल्म को फिर से गौर से देखिए, अब मैंने आपका सारा वो आनंद नष्ट कर दिया उस फिल्म को जो है सारे ये बता के, पर आप देखिए कि उस फिल्म में कोई ओपन हिंसा नहीं है, कोई ओपन हिंसा नहीं है, सिर्फ एक थप्पड़ है उसमें, और वो थप्पड़ है बिंदु को, जो जब तक उसको बच्चा नहीं हो रहा है वो पति को कंट्रोल करती है, और जिस दिन वो प्रेग्नेंट हो जाती है वो हांजी हांजी करती है, उसके कपड़े बदल जाते हैं, लिबास बदल जाता है, और एक थप्पड़ पति जो मारता है उसके बाद उनकी गृहस्थी बहुत सुंदर हो जाती है, बच्चा भी हो जाता है। तो स्ट्रक्चरल वायलेंस जो जोहान गाल्टुंग बोलते हैं, मेरा नाम बदल जाना, मेरा घर बदल जाना, मेरा अतीत बदल जाना, मेरी पूरी आइडेंटिटी बदल जाना, और इस आदमी के ऊपर ये सारा भार डालना कि अब ये तुम्हारा नाम लगाती है, तुम्हारे ऊपर जीती है, अब तुम जो है इसको जो है जिंदगी भर तुम इसका पालन पोषण करो। तो ग्रामशी कहते हैं हिंसा तो जरूरी है व्यवस्था के लिए, पितृसत्ता हो, जाति व्यवस्था हो, पर अगर आप सिर्फ हिंसा करते रहेंगे तो विद्रोह होगा, तो एल्गार उठेगा, तो लोग जो है वो आंदोलन करेंगे। इसलिए अगर किसी भी व्यवस्था को टिकना है तो उनको साथ साथ में सिर्फ मटेरियल कंट्रोल नहीं, मैं आके मानिए मैं आके जो है वो आपका ये बैग उठा के चली आती हूं, तो आप सोचेंगे कि कैसे उठा के लेके गई, लेकिन अगर मैंने अपने दिमाग में आपके दिमाग में डाल दिया कि वो बैग एक्चुअली तो मेरा ही है, जमींदार को हक पड़ता है किसी गरीब का जो है धान ले जाने में, हमारे गांव में मैंने सुने हुए पुराने किस्से कि धान की गाड़ियां रोक के जो है वो पुलिस पाटिल जो है वो वहां से क्या क्या उठा के लेके जाता था। बिहार में पानीदारी है, गंगा जी को पानीदारी है पूरी, यहां से यहां तक कोई मछली नहीं मार सकता, बहते पानी के ऊपर पानीदारी है, तो पानी बहते पानी के ऊपर भी गरीब मछुआरा मानता है कि किसी ठाकुर का पानी है, इसलिए वो खुलेआम विद्रोह नहीं करता जब तक कि आंदोलन नहीं होता है। आंदोलन में लोग मारे जाते हैं इतना छोटा कहते हुए कि पानी सबका है। तो ग्रामशी कहते हैं आपको मटेरियल कंट्रोल करते करते व्यवस्था को आइडियोलॉजिकल कंट्रोल भी करना जरूरी होता है, वैचारिक कंट्रोल। इसलिए आप सड़क पे जाके पूछिए, किसी भी आदमी से पूछिए, आपको क्या लगता है आदमी सुपीरियर है कि औरत सुपीरियर है, तो वो आदमी कहेगा कौन सुपीरियर है, सवर्ण सुपीरियर है कि दलित। मैं यहां की नहीं बात कर रही हूं, मैं कह रही हूं कि आप यहां से 100 लोगों से पूछते जाइए कि आपको क्या लगता है कि आदमी ज्यादा श्रेष्ठ है कि औरत, तो सोचेगा क्या सवाल पूछ रहे हो भैया, वो तो सबको मालूम है आदमी श्रेष्ठ है।
आप 100 औरतों से पूछिए आदमी श्रेष्ठ है कि औरत श्रेष्ठ है, वो भी कहेगी आदमी. आइडियोलॉजिकल डोमिनेशन. आप किसी सवर्ण से पूछिए सवर्ण श्रेष्ठ है कि दलित श्रेष्ठ है, सवर्ण भी कहेगा सवर्ण और दलित भी कहेगा सवर्ण. तो जब ये आइडियोलॉजिकल डोमिनेशन कंप्लीट हो जाता है तो ग्रामशी कहते हैं कि किसी भी दमनकारी व्यवस्था को दे मस्ट रूल विद द कंसेंट ऑफ द ओप्रेस्ड. जिनके ऊपर हम दमन कर रहे हैं उनके सम्मति के साथ में जब वो व्यवस्था काम करती है तभी वो व्यवस्था हजारों सालों तक चलती है. और इसलिए पितृसत्ता क्यों चलती है, क्योंकि मुझे बताया गया कि तुम बेटा पैदा करोगी अपने शादी के अंदर तो तुम्हें मान्यता मिलेगी, है कि नहीं. जाति व्यवस्था में आज अभी मार्टिन भाई को किसी ने सवाल पूछा कि दलितों में भी जाति व्यवस्था है क्या, होगी ही ना, तभी तो जाति व्यवस्था टिकेगी, टिकेगी ना, तभी टिकेगी. तो दलित घरों में भी ये होगा कि एक दलित जाति कहेगी हम दूसरे के साथ रोटी बेटी व्यवहार नहीं करते. जाति व्यवस्था तभी तक टिकेगी जब मेरे नीचे भी कोई है जिसके ऊपर मैं खड़ा रह सकता हूं या खड़ी रह सकती हूं. मैं अगर किसी के ऊपर खड़ी रह सकती हूं तो फिर मैं अपने ऊपर खड़े जो हैं 99 लोग मैं उनका समर्थन करने लगती हूं, खुलेआम ओपनली नहीं पर कहीं अंदर मैं उसका समर्थन मैं करने लगती हूं. तो इसलिए अब जो है मेरा दूसरा हिस्सा, इसके बाद मैं जो है अपना खत्म कर दूंगी, कि बाबा साहेब ने कहा था कि कास्ट इज एंडोगैमी एंड एंडोगैमी इज कास्ट. एंडोगैमी मतलब क्या, कि कोई लोग ऐसे हैं बहुत नजदीक के जिनको अरबी में अलमहरम कहते हैं, आपके पिता है, आपके भाई है, आपका बेटा है, जिनके साथ आप शादी नहीं कर सकते, जिनके साथ आप लैंगिक संबंध नहीं रख सकते, वो निषिद्ध है. ऐसे अलमहरम जो है पुरुष उनके साथ ही औरत घर के बाहर दिखाई देनी चाहिए वरना कोड़े पड़ेंगे सऊदी अरब में. तो पहले तो ये हैं जिनके साथ लैंगिक संबंध निषिद्ध है. और सबसे ज्यादा मर्दानगी को इंसल्ट करने वाला भाष्य क्या होता है, हमें तो हमारे शरीर के ऊपर जिसकी मुझे कोई लज्जा नहीं, हमारे शरीर के हिस्सों के ऊपर हमको गालियां दी जाती है. अब वो तो क्या 50% दुनिया को दी जाती है तो मुझे पर्सनली कैसे लगी, मुझे पर्सनली मुझे उसका कोई असर नहीं होता. और मर्दों के ऊपर भाइयों को क्या बोला जाता है, जो निषिद्ध है औरतें आपके लिए आपकी जिंदगी में, आपकी माँ आपकी बहन, इनके साथ आप लैंगिक संबंध रखते हैं, ये सारी गालियां आपको दी जाती है. एक तो आपको गाली दी जाती है कि आप मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरा आपको गाली दी जाती है कि आप अपनी माँ बहन बेटी बहू पत्नी के वेश्या व्यवसाय पे आप कमाते हैं, यू आर पिम्प्स, ये आपको दूसरी गाली दी जाती है. और तीसरी गाली आपको दी जाती है कि आप ऐसे औरतों से लैंगिक संबंध रखते हैं जिनके साथ आपको जिंदगी में नहीं रखने हैं. तीनों मित्रों, मैं तो डर गई मित्रों बोल के, हाँ मेरे मित्रों, हाँ डरिए भागिए नहीं यहाँ से, हाँ तो ऐसे बोल दिया मैंने गलती में, हाँ साथियों, हाँ तो इसलिए ये आपको जो सारा बोला जाता है ये याद रखिए, तीनों हमारे शरीर के ऊपर और तीनों हमारे लैंगिक व्यवहार के ऊपर है. और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि हमारी लैंगिकता के ऊपर ही पूरी पितृसत्ता जो है वो टिकी हुई है, हमारी लैंगिकता के ऊपर पूरी जाति व्यवस्था टिकी हुई है. क्योंकि आप हमारे प्रोडक्शन को कंट्रोल करेंगे, आप हमारे रिप्रोडक्शन को प्रजोत्पादन को कंट्रोल करेंगे, कब हमने बच्चे पैदा करने, कौन से करने, कितने करने, कौन से समय के बाद करने. जिस घर में हम पैदा होते आप पराया धन कहेंगे, ना हम पराए हैं ना हम धन है, हम इंसान है, कैन यू डील विद दैट. और उस घर में भेजा क्यों जाएगा, क्योंकि जिस घर में जायज मेरा संपत्ति के ऊपर अधिकार है
वहां पे आप हमको वो अधिकार नहीं देंगे और वो जानबूझ के नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो अधिकार मिला तो मैं शादी करने से इनकार करूंगी, और जब यहां पे आप बेदखल करेंगे तब मुझे पितृसत्ताक शादी में जाना मेरे लिए एक ही चारा रहता है, और शादी में जाने के बाद मैं वहां पे खड़े जाके और लेट के कहार अंदर ले जाएंगे और कहार ही मुझे बाहर ले आएंगे। मैं अपने कदमों से जा नहीं सकती, अपने कदमों से आ नहीं सकती, मुझे कोई वहां पे ले जाएगा और मुझे कोई बाहर जो है मृतावस्था में बाहर मुझे ले आएगा। ये मुझे वहां पे रखा जाता है क्योंकि वहां पर उस कुल के लिए पुत्र पैदा करना ये मेरे लिए मेरा काम है। अब उसके बाद में आपका इश्क वगैरह हो जाए पति पत्नी का तो ठीक है, ना हुआ तो हमें कोई लेन देन नहीं है। इसलिए इसको रोटी बेटी व्यवहार कहा जाता है, द बिजनेस ऑफ ट्रांजैक्टिंग फूड एंड डॉटर्स, इट्स अ बिजनेस। इसमें कोई प्रेम, इसमें कोई संदिग्धता, इसमें कोई क्लोजनेस, ये कोई भी नहीं है। और इसलिए नए कपल के ऊपर, शादीशुदा कपल के ऊपर भी कंट्रोल्स रहते हैं कि वो बहुत नजदीक तो नहीं जा रहे एक दूसरे के, बहुत नजदीक हो गए तो इस स्कूल से निकल के बाहर चले गए तो हमारे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या हो गया, हाँ प्रीमियम तो हमने भरा हुआ है, अब किसी और के इसमें चेक में चला जाएगा तो कैसे चलेगा। मेरे ससुर जी एक और भी बताते थे, कहावत है पंजाबी में कि माँ को बेटे को सयाने करने में 24 साल लगते हैं और बीवी को उसको उल्लू बनाने में 24 घंटे लगते हैं, ये कहावत है पंजाबी में। तो नई जो आई है, ये छुटकी जो आई है, इसकी सेक्सुअलिटी का इतना डर उसकी सेक्सुअलिटी का, क्योंकि वो करती है जो ये अलमहरम औरतें कर नहीं सकती उसके साथ में, और इसलिए उसके साथ में इतना डर, इसलिए उसके ऊपर इतना वायलेंस। तो अगर इस पितृसत्ताक शादी में मुझे जाना है अपने साउथ एशिया में, जैसे मार्टिन भाई बता रहे थे, हिंदू बहुसंख्यक होने की वजह से जाति व्यवस्था हिंदुओं में है, तो अल्पसंख्यक लोग जो है उनके अंदर भी जाति व्यवस्था गई है, मुसलमानों में है। आप देखेंगे मुख्तार माई का जो रेप हुआ वो क्या था, कास्ट इशू था, वो सो कॉल्ड लोअर कास्ट थी, उनका 13 साल का भाई जो है वो 20 साल के औरत के साथ भाग गया ऐसा कहा गया, और इनको बिल्कुल पूरे बिरादरी ने दूसरे जो है उनके पास जाके, उनको पता नहीं था इतना गंदी तरह से उनके ऊपर व्यवहार होगा, गैंगरेप होगा, पर उनका अपना कबीला जो है वो उनको दूसरे कबीले के पास लेके गया और वहां पे उनकी चीखें सुनाई दे रही थी, पर ये जो उनका पूरे कबीले के मर्द बाहर जो है वो सिर नीचे करके, जैसे द्रौपदी के वस्त्र हरण में सारे के सारे उनके ससुर सिर नीचे करके बैठे हुए थे। वाई? बिकॉज इट वॉज लीगल, इट वॉज अनएथिकल, बट इट वॉज अ लीगल एक्ट, इट वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट, महाभारत में भी और यहां मुक्तारण मई का भी। तो पितृसत्ताक अगर शादी में मुझे जाना है तो फिर मेरी ही अपनी जाति में मेरी शादी होना जरूरी है, क्योंकि फिर बाबा साहब कहते हैं कि औरत जो है वो जाति व्यवस्था का प्रवेश द्वार है, शी इज द गेटवे टू द कास्ट सिस्टम, और एंडोगैमी इज कास्ट एंड कास्ट इज एंडोगैमी। तो ये अलमहरम जो लोग हैं इनके बाहर ऐसे लोग हैं जिनमें ही शादियां होनी चाहिए, उसके बाद एक्सोगैमस शादियां नहीं हो सकती। और फिर अगर औरत ने शादी की और वो भी अवलोम नहीं, हाइपरगैमस नहीं, अगर उसने प्रतिलोम शादी की या प्रतिलोम हाइपोगैमस संबंध रखा तो फिर वहां पे कत्ल होते हैं। आप देखिए रिजवानूर से लेके नितिन से लेके अपने अहमदनगर का देखिए या सैराट देखिए, ये सब जो है इसमें प्रतिलोम विवाह है। और इसलिए कोपरडी में जो रेप होता है उसको लोग कहते हैं सैराट जैसे हुआ। ये नहीं भूलिए कि कोपरडी में जो हुआ वो बलात्कार था, वो लैंगिक संबंध था पर वो बलात्कार था, और सैराट में जो था वो अपनी मर्जी के साथ में किया हुआ उन्होंने विवाह था। यहां पर जिन्होंने रेप किया उन लड़कों ने मार डाला, वो दलित लड़के थे, गलत काम था वो, पर यहां पर परिवार ने मारा था। ये जो है फर्क, पर लोगों को समझ में क्या आया
पितृसत्ता और जाति व्यवस्था दोनों को पता चला कि सैराट ज्यादा खतरनाक है। मैंने एक बार एक औरत से पूछा था गांव में कि दीदी क्यों जल्दी शादी करा रही हो तुम बेटी की, तो पहले तो उसने बोला पूछे उसका पेट फूलेगा तू देखेगी उसको। मैंने कहा ऐसा क्यों बात करती हो, तो उसने कहा कि स्कूल में जाती है खेत पड़ता है रास्ते में, खेत है बहुत सारे, खेत में अगर उसको किसी ने खींचा और मराठी भाषा में जो है इस्कोट उसके जिंदगी का सत्यानाश कर दिया, इस्कोट केला तिच्या आयुष्याचा, शेतात खेचलं तर मी काय करू। और आगे जाके उसने कहा आणि रांड जर स्वतः चालत गेली तर काय करू। लैंगिकता एक ही ऐसी है क्रिया जिसमें फोर्स फिर भी एक्सेप्टेबल है, सम्मति बहुत खतरनाक है। आप सम्मति से कुछ करते हैं तो समाज ज्यादा हिल जाता है, अगर फोर्स हुआ तो फिर भी औरत के बारे में बोला जा सकता है बिचारी है। और ये इसलिए क्योंकि औरत के लैंगिकता के ऊपर पूरी पितृसत्ता और पूरी जाति व्यवस्था टिकी हुई है, क्योंकि आप हमारे ऊपर चाहे जितना दमन करें, आप सारी प्रॉपर्टी बनाते रहिए जिंदगी भर, कमाते रहिए जिंदगी भर, गधे की तरह ढोते रहिए आप पूरे जिम्मेदारियां जिंदगी भर, किसके लिए? आपके बेटे को देने के लिए, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं कि मेरे गर्भ के अंदर का बेटा आपका है, कोई सबूत नहीं है, समझे? हमारे गांव की भाषा में बहुत सरल भाषा होती है, माय म्हणल तो बाप, सिर्फ माँ को मालूम बाप कौन है। और पितृसत्ता इससे सबसे ज्यादा डरती है, तो क्योंकि आप ये नहीं सिद्ध कर सकते कि मेरा गर्भ आपका बेटा है, ओनली बाय थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन आप प्रूव कर सकते हैं। और इसलिए जिस क्षण से मैं पैदा होती हूं जब तक मैं मरती हूं तब तक आप मुझे किसी भी दूसरे मर्द के सामने आने नहीं देते, पर्दे में रखते हैं या मेरे आने जाने पे नियंत्रण रखते हैं। वो छोटा जो है अकेले कहाँ जा रहे हो, वो छोटा जासूस है, भूलिए नहीं, हाँ वो कंट्रोलर है इस पूरे ग्रुप का। आप जब तक वो नहीं करते कि मैंने जिंदगी भर किसी भी दूसरे मर्द के साथ रिश्ता ही नहीं रखा, तब बाय थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वो आपका बच्चा है। और अगर हमको मुक्त होना है मित्रों साथियों, क्या शब्द देखिए क्या क्या उन्होंने अपना जो है वो इतने सुंदर सुंदर रंग जो है वो कर लिए, अप्रोप्रिएट कर लिए, और इसलिए मुझे लगता है कि हमको इतना डरना भी नहीं चाहिए उनसे। हंसे, हैरी पॉटर में कहते हैं ना कि इफ यू नेम समथिंग एंड यू लाफ एट समथिंग देन यू डोंट फियर एनीथिंग, तो यू कैन इफ यू वंस यू स्टार्ट हैव अ जोक। अभी देखे आपने रोज व्हाट्सएप पे जैसे बीवियों के ऊपर आते हैं वैसे रोज पॉलिटिकल सेटार वाले भी हमारे पास आने लगे, तो सबको पता चला कि राजा के कोई कपड़े नहीं है, द एम्परर हैज नो क्लोथ्स, ये सबको पता चल गया है अभी, और पूरा जो है वो भांडा फूट गया है। तो इसलिए अगर हमको इस पूरा फैशिज्म को, इस पूरे मैस्कुलिनिस्ट नेशनलिज्म को, जो नेशनलिज्म पूरा आदमी के वैलर के ऊपर, वीरता के ऊपर और औरत के शील के ऊपर बनाया गया है, वो राम बिनाइन नहीं है जिसमें राम के साथ में सीता है और लक्ष्मण है, राम हमेशा तने हुए तलवा ये तीर के साथ में अभी राम है। एक तरफ राम लल्ला है जिनको आपको बचाना है, देखो बेचारे का घर तोड़ डाला, और अगर वो बड़ा हो जाएगा तो देखो ऐसे तीर करके पूरे देश को हमेशा के लिए वो बचाएगा। तो ये मैस्कुलिनिस्ट मिलिट्रिस्ट मिलिटेंट ये जो किया हुआ है दोस्तों, टू माई मेन फ्रेंड्स, दिस इज एज डेंजरस फॉर यू एज इट इज फॉर अस। और अगर आपको चाहिए कि अगर आपको इंसान बनना है तो घर के अंदर तो आप बनेंगे, यहाँ पे जो है इतना विश्वास मेरे ऊपर है कि घर के अंदर आप इंसान है, पर अगर आपको इंसानियत बाहर भी आपकी रखनी है तो ये पूरी जो है कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है, भांडवलशाही है, फैशिज्म है, न्यू लिबरल जो है ना वो उदार मतवाद जो है, पितृसत्ता है, जाति व्यवस्था है, इनको साथ में, और साथ में मैंने जो कहा था वो जो एक वर्ग जो हम भूल गए थे, जो मैं औरत मुझे कहा गया जिंदगी में जब मैं आई दुनिया में, पर मुझे लगता नहीं कि मैं औरत हूँ, मुझे तो लगता है मैं मर्द हूँ, मेरे अंदर पंछी फंसा हुआ है, ट्रांसजेंडर लोग हैं, या मैं आदमी से प्यार नहीं करती, मैं औरत से प्यार करती हूँ,
आप मेरे प्यार के ऊपर पाबंदी तो नहीं लगा सकते कि मैं किससे प्यार करूंगी, मेरे जाति का है वो, मेरे मजहब का है वो, मेरे लिंग का विषम लिंग का है। प्यार का कोई, प्यार के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। प्यार तो प्यार है, इसलिए तो उसको प्यार कहा जाता है ना। तो ये सारे लोग हैं वेश्या व्यवसाय में, जो लोग हैं जो शायद मर्जी से गए हो, मर्जी के खिलाफ गए हो, वहां रहना चाहते हो, वहां से निकलना चाहते हो, जो घर के बाहर लोग हैं, सड़कों पे लोग हैं, जेल्स में लोग हैं, हॉस्पिटल्स में लोग हैं, अगर हम सबको इकट्ठा करके हमारी लड़ाई नहीं लड़ते तो फिर जिसको अंतरशाखीय इंटरसेक्शनल जो रिलेशनशिप कहते हैं वो हम भूल जाते हैं। और हम ये भी भूल जाते हैं कि सब औरतें एक जैसी नहीं हैं। वो जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, मजहब, बहुसंख्य अल्पसंख्य, एबिलिटी, मेरी फिजिकल मेंटल एबिलिटी क्या है, मेरी लैंगिकता क्या है, मेरी जेंडर की पहचान क्या है, इन सब के ऊपर जैसे औरतें बटी हुई है, औरतें उसी तरह से मर्द भी बटे हुए हैं। एक मर्द की ताकत, मैं राजनीतिक आर्थिक नहीं कह रही हूँ, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है समानता, हर मर्द समान नहीं है, जैसे हर औरत समान नहीं है। तो मर्दों के बीच भी गैर बराबरी भी हमको दूर करनी है, औरतों के बीच की गैर बराबरी भी हमको दूर करनी है, और मर्द और औरतों के बीच की गैर बराबरी तो हमको जरूर ही दूर करनी है। क्योंकि आप सोचिए कितना बड़ा फोर्स है अगर हम सब इकट्ठा होके इन सब व्यवस्थाओं के खिलाफ जो है वो हम जो है वो नारा एल्गार हम देते हैं। तो इसलिए हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम एक हो जाए, हम इकट्ठा काम करें। और ये कोई बहुत बुरा चॉइस भी नहीं है, बहुत अच्छा चॉइस है। तो इसलिए आज देश भर से आप जो इकट्ठा हो गए हो, मुझे लगता है कि समाजवाद, समानता, धर्मनिरपेक्षता, ये जो मूल्य हैं हमारे संविधान ने दिए हुए, ये बहुत अच्छे मूल्य हैं। और इन मूल्यों को लेके अगर हम जाते हैं तो हमारा सारा काम संविधान के पूरे दायरे के साथ का ही है। और कोई भी अपने दिल के अंदर कटुता या कोई भी अपने दिल के अंदर जो है वो रिवेंज की भावना न लेते हुए हम अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर कल जो है वो भारत पितृसत्ताहीन हो सकता है क्या? क्यों नहीं। कल जाति व्यवस्था के बिना हो सकता है क्या? क्यों नहीं। तो आज जैसे मार्टिन भाई ने कहा था, मुझे किसी ने पूछा था, मनीषा तुम किसके लिए जीती हो? मैं कई, मुझे जीने के बहुत बहाने हैं, बहुत बहुत बहाने हैं। मैं आज भी मर जाऊं तब भी मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरे पास जीने के बहुत सारे इरादे हैं, वो इरादे कोई मार नहीं सकता। पर एक जो मेरा इरादा है वो ये है कि ये करके मैं खत्म करती हूं। जिस दिन इस देश में लोगों को शर्म आएगी ये कहते हुए कि मैंने अपने बच्चे की शादी मेरे जाति में कर दी, ये कहना जब शर्म की बात हो जाएगी, तो उस देश के लिए मैं जीती हूँ। धन्यवाद। आजादी, 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 आजादी। धन्यवाद मनीषा ताई जी। कोई किसी का गुलाम नहीं, कोई किसी का मालिक नहीं, हर एक को अपनी मर्जी से जीने का अवसर, यानी कि समता, और वही समता समाजवाद लाने के लिए हम लोग सब लोग तैयार बैठे हैं। बहुत अच्छी बात आपने रखी। मैं शायद, ऐसा मुझे लग रहा है कि इतनी बात कहने के बाद शायद किसी को कोई सवाल न हो, लेकिन फिर भी फिर तो गलत गया मेरा। सवाल पूछने चाहिए, मेरे पास जवाब कोई भी नहीं है, सवाल बहुत है। जरूर, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके कुछ सवाल हो तो जरूर मनीषा ताई जी से आप पूछें। हाँ, पर्चियों पर ही, पर्चियों पर, आपके पास पर्ची आ रही है। समय का कितना समय बता दी? 15-20 मिनट। 15-20 मिनट में पूरा करना है। Thank you.
माझी इच्छा आहे की 2 दिवसाचं मी आमच्या तुमच्या कॉलेजच्या मुलींचे बघतो. परत 2 दिवस आपण काय करतो कॉलेजच्या मुलींचे बघितलं तर आपलं ते संपत नाही. त्यापेक्षा कोल्हापूर जिल्ह्याच्या कार्यकर्त्यांमध्ये एकत्र पेमेंट त्यांची आपण पेमेंट केलं तिथे काय आज हे कॉलेज झालं तर तिकडचं कंपनी टीचर म्हणते की असं इथे आलं बरोबर. हाँ, सभी साथियों से अनुरोध है कि कृपया अपना जो सत्र चल रहा है अभी सवाल जवाब 15 मिनट चलेगा, उसके बाद सबको फिर ब्रेक दिया जाएगा. अभी बीच में कोई उठकर न जाए. एक 10-15 मिनट में ही ये सवाल जो है, मैंने जैसे कहा मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि जवाब अपने हर एक को अपने आप ही ढूंढने पड़ेंगे और पढ़ना भी बहुत पड़ेगा और चर्चा और विचार मंथन भी बहुत सारे करने पड़ेंगे. जैसे हम थे 70 के 80 के दशक में तो हमारे स्टडी सर्कल्स ख़त्म ही नहीं होते थे. जो सुबह 9 बजे शुरू हो जाते थे, रात को 3-3, 4-4 बजे तक चलते थे. तो मुझे ऐसा लगता है कि उस तरह की धुन मैंने देखा है लोकायत में तो वो ज़रूर है. तो मुझे लगता है उस तरह का जो है वो हर एक विचार को लेके आगे जाना. एक तो सवाल है अपने आप में, जवाब भी है कि स्त्री का शत्रु पुरुष न होकर बल्कि व्यवस्था है. क्या आप इस मत से सहमत है? बिल्कुल बिल्कुल. अपनी लड़ाई मर्दों से है ही नहीं. ये कोई आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं है कि मर्द स्त्री से ज़्यादा सुपीरियर है. आज अगर मातृसत्ता होती तब भी मैं यहाँ पे खड़ी होती मातृसत्ता के खिलाफ बात करने को. तो पितृसत्ता को हटाकर मातृसत्ता लाना ये अपना काम नहीं है. ना ही इतिहास में जाके मातृसत्ता थी क्या देखना, क्योंकि उस वक्त की मातृसत्ता ये आज के पितृसत्ता का मिरर इमेज नहीं थी. वो कबीले की सारी औरतें, जैसे हाथी का होता है कबीला, हाथी सारी हाथनियां जो है वो वहां के बच्चों को बड़ा करती है, एक दूसरे के बच्चे को दूध पिलाती है, उस तरह का वो कबीला था. तो वो मातृसत्ता आज के पितृसत्ता जैसे नहीं है. आप फ्रेडरिक एंगल्स पढ़िए, आप मार्गरेट मीड पढ़िए, आप एवलिन रीड पढ़िए. पितृसत्ता मातृसत्ता से पितृसत्ता तक का जो पूरा रहा है, ये रहा है ट्रैवल, जो पूरा रहा है जर्नी रही है, वो सारी परिवार इंस्टीट्यूशन ऑफ द फैमिली, आज जो मैंने पितृसत्ता फैमिली कही, वो फैमिली नहीं जहाँ पर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं. वो फैमिली नहीं जहाँ पर सारे लोग शायद रक्त से, खून से, शादी से कोई संबंध ना होते हुए भी लोग इकट्ठा रहते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं. ये बहुत लिबरेटेड फैमिली है, ये बहुत अच्छी फैमिली है. पर जो जाति व्यवस्था पर, पितृसत्ता पर आधारित और खून और डिसेंट पर आधारित जो पितृसत्ता परिवार है, ये खतरनाक है. तो ये सही है, बिल्कुल हम मर्दों के खिलाफ नहीं हैं. मर्द और औरतें सब एक ही जगह से आती हैं, कोई दूसरे ग्रह से नहीं टपकता. हम उनको किस तरह से, जैसे सिमोन द बुए कहती है, जैसे आपने भी बताया कि
औरत और मर्द पैदा नहीं होते, उनको बनाया जाता है औरत और मर्द। तो बिल्कुल ही मर्दों के खिलाफ हम लोग नहीं है। दूसरा ये है निर्मूलन जो है आजाद भारत में, मुझे ऐसा लगता है। और इसके साथ में एक दूसरा मैं सवाल पढ़ती हूँ, एक ये है कि पितृसत्ताक पद्धति का निर्मूलन आज के आजाद भारत में कैसे हो सकता है, और साथ में एक दूसरे किसी ने लिखा हुआ है प्रतीकात्मक बदल, जैसे कि मूल बच्चे के नाम के आगे माँ का नाम लगाना, या स्त्री ने शादी के बाद में अपना फैमिली नेम सरनेम न बदलना, ये स्त्री सबलीकरण में कितना महत्व लगता है पूर रखता है। और फिर और एक साथ में ये भी है सवाल, है तीनों में साथ में लेने वाली हूँ कि शिक्षा व्यवस्था में एडुकेशन में जो है वो पितृसत्ता के बारे में क्या किया जाए। तो पितृसत्ता का निर्मूलन जैसे मैंने कहा, पहले तो ये पितृसत्तावादी जो परिवार व्यवस्था है इसको हमें जो है चैलेंज करना पड़ेगा। परिवार उन लोगों का होता है जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरे अपने बायोलॉजिकल बच्चे होना जरूरी नहीं है, मैं सोशल मदर भी बन सकती हूँ, मैं सोशल पेरेंट्स भी बन सकती हूँ, और उनको उतना ही महत्व देना जरूरी है। मेरी किसी से शादी ना हुई हो पर मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ तो मेरे सारे अधिकार जो है वो विवाहित लोगों जैसे ही होने चाहिए। ये जब हम पितृसत्ता के बेसिक जो है इनको अगर हम चैलेंज करते हैं तो वो मुझे लगता है कि भारत में जो है उसका उसका जो है वो निर्मूलन हम कर सकते हैं। साथ में जैसे मैंने कहा कि जाति व्यवस्था का भी निर्मूलन, सिर्फ अनटचेबिलिटी नहीं, कास्टिज्म नहीं, वो कहते हैं वो जातिवादी है, जात ही जातिवाद है, कास्ट इज कास्टिज्म, देयर इज नथिंग लाइक स्पेशल कास्टिज्म, कास्ट मानना ही कास्टिज्म है। पर हजारों सालों से जिनके ऊपर जाति व्यवस्था के नाम पे दमन किया हुआ है उनको रिजर्वेशन जरूर मिलने चाहिए। वहां पर जात अपनी बताने में कोई शर्म की बात नहीं है, पर बाकी किसी अन्य जगह पे अपनी जात बताने की जरूरत नहीं है। हमने हमारे बच्चों के लिए हमेशा धर्म नहीं जात नहीं ऐसे कॉलम्स करके ही हमेशा किया है। हर वक्त आर्ग्यूमेंट्स करने पड़े पर अगर आप बहुत खड़े रह के डट के वो करते हैं तो स्कूल को कॉलेज को वो मानना पड़ता है। फिर ये लिखा हुआ है कि प्रतीकात्मक जो है, जैसे कि औरत ने बच्चे के सामने माँ का नाम रखना या औरत ने अपना नाम नहीं बदलना। अब अपने पास समय नहीं है पर जब कोई ट्रेनिंग्स लेते हैं हम तब एक सीधी सी बात पूछते हैं कि आपके पिता का नाम क्या है, आपके दादाजी का नाम क्या है, आपके परदादाजी का नाम क्या है, आपके उनके पिता का नाम क्या है, फिर पूछते हैं आपकी माँ का नाम क्या है, आपके माँ की शादी के पहले का नाम क्या है, आपकी नानी का नाम क्या है, आपकी नानी का शादी के पहले का नाम क्या है, आपकी पड़नानी का नाम क्या है, उनके शादी के पहले का नाम क्या है, किसी को पता नहीं। नाम नहीं है तो कुछ नहीं है। इतिहास में अगर आपका नाम नहीं रहता तो आप कुछ नहीं रहते, और इसलिए ये प्रतीकात्मक है पर प्रतीकात्मक नहीं भी है। मेरा नाम शादी के बाद में बदलना, अब कोई आप चल रहे सड़क के ऊपर है ना, अब जिनको मैं जानती हूं उन्हीं के नाम लेती हूँ, नीरज भाई चल रहे हैं, नीरज जैन है, अब किसी ने पीछे से बुलाया कि नीरज जी जैन साहब, तो वो पीछे मुड़ के देखेंगे है ना। अगर किसी ने कहा अनिल सरकार जी, वो क्यों मुड़ के देखेंगे। पर औरत के ऊपर ये एक्सपेक्टेशन है कि मनीषा गुप्ते जो है ये सिर्फ गुप्ते नहीं अवस्थी हो जाएगी, और रमेश के साथ में रमा कितना सुंदर लगता है ना, मनीष के साथ मनीषा के साथ मनीष भी तो उतना ही सुंदर लगता है हाँ। तो मनीषा गुप्ते जो है वो रमा अवस्थी के नाम पे पीछे मुड़ के क्यों देखे, ये प्रतीकात्मक नहीं है दोस्तों, ये किसी की आइडेंटिटी खत्म करने की बात है। ये मानव अधिकारों का मुद्दा है कि जो नाम लेके मैं पैदा हुई हूं वो नाम मैं लेकर जिंदगी भर जी सकूं। तो ये प्रतीकात्मक नहीं है, ना माँ का नाम लगाना और ना अपना जो है वो बाद में करना, ये जरूर पितृसत्ता को जो है वो धक्का देता है। एडुकेशन सिस्टम में तो है ही, आप कार्टून से देखिए, जैसे मैंने मारी क्यूरी का बताया, वो अच्छी गृहिणी थी हा?
और अपने पति के साथ उन्होंने नोबेल प्राइज पाया। अब आपको मालूम है मारी क्यूरी और पायर क्यूरी ने मिलकर एक नोबेल प्राइज और मारी क्यूरी ने अकेले एक दूसरा नोबेल प्राइज। एक औरत को दो नोबेल प्राइज जिंदगी में मिले हुए हैं, पर पूरा जो है दिखाना कि वो पत्नी कैसे थी और वो गृहिणी कैसे थी। और पूरे कार्टून्स में आदमी जो पेपर पढ़ रहा है और औरत जो है वो अंदर खाना बना रही है, व्यंजन बनाते ही जा रही है वो अंदर। तो एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना और ये नए नए माध्यम तैयार करना, ये जरूर जो है वो हमको देखना पड़ेगा, आलोचना भी करती रहेगी। अब ये पूछा है कि लैंगिकता के जो बंधन है उसमें आपने कहा कि इंसेस्ट जो है, तो रक्त संबंध के जो है लैंगिक संबंध अच्छे या बुरे? मैंने कोई अच्छा बुरा कुछ नहीं कहा। महाराष्ट्र में जो है अपने बुआ का बेटा ये सबसे प्रिफर्ड ब्राइडग्रूम है, तो मैं क्या जवाब दूं कि जिसका खून वैसा ही है वो आपस में शादी करे कि नहीं? महाराष्ट्र में प्रिफर्ड ब्राइडग्रूम पैटर्नल है, पर वो कहेंगे देखो मुसलमानों में चचेरा भाई भी चलता है। अरे भैया आपके इधर भी तो पैटर्नल कजिन चल रहा है। हाँ, तो हर कम्युनिटी का एक अपना तरीका है क्या गलत है और क्या सही है ये मानने का। मुझे ऐसा लगता है द ओनली बैड सेक्स बच्चे के साथ और किसी के मर्जी के खिलाफ, ये जो है दीज आर बैड सेक्स, एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। तो मर्जी और बच्चा अगर मान भी जाए, कई बार यहां पर औरतें कई सारी हैं, हमारे शरीर को छुआ गया है, हमारे ऊपर कई बार बलात्कार भी हुए और यहां पर कई मेरे भाइयों के ऊपर भी हो गए हैं बलात्कार। ये नहीं कि सिर्फ लड़कियों के ऊपर हुए, लड़के बड़े होते हैं तो उनके ऊपर भी हुए हैं। और ये हो भी सकता है कि किसी समय पे आपको लगा होगा अब मैं इसके खिलाफ कैसे बोलूं, क्योंकि उस वक्त मैंने तो कुछ कहा नहीं, उस वक्त कभी कभी मुझे शरीर के अच्छा भी लगा। सेक्स विद अ चाइल्ड इज नॉट कंसेंशुअल। आपको जो लगा नहीं लगा ये दुय्यम है, आपके साथ क्या किया गया वो गलत था। एंड दैट इज वॉट वी हैव टू रिमेंबर कि बच्चों के साथ कोई भी लैंगिक संबंध रखना, बच्चे आपस में खेल रहे बात दूसरी बात है, पर जहां पर भी उम्र की जो है हायरार्की उसको जो है वो आपको भूलना नहीं चाहिए। अब इतने सारे जो सवाल है ये इम्पॉसिबल है कि हम लोग जो है एक साथ पूरे ना कास्ट और पितृसत्ता को सारा ही अच्छा। ये बहुत आसान है, सब वक्ताओं के ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेंगे, सबको मिलेंगे आपको, ये बहुत आसान हो गया। और ये है कि कमोडिफिकेशन ये कैपिटलिज्म एंड जेंडर इक्वालिटी, कैपिटलिज्म इनइक्वालिटी प्रमोट करती है, एब्सोल्युटली। इनइक्वालिटी पैदा करने के अलग तरीके हैं फ्यूडलिज्म से, तो इसलिए हमको जैसे मैंने कहा था कि हमको भांडवलशाही से और कैपिटलिज्म के खिलाफ हमारी लड़ाई, तो कैपिटलिज्म अलग अलग रूप तैयार लेके आती है, पितृसत्ता के जैसे पितृसत्ता भी अलग अलग चेहरे लेके आती है। अब कमोडिफिकेशन जो है औरत का और ये ट्राइबल सोसाइटीज आइडियल है कि आइडियल कोई नहीं है, पर ट्राइबल सोसाइटीज डेफिनेटली नॉन ट्राइबल सोसाइटीज से ज़्यादा अच्छे रहे हैं। पर अभी नॉन ट्राइबल सोसाइटीज के साथ में इकट्ठा होने की वजह से बहुत सारे वहाँ पर प्रॉब्लम्स हो गए हैं, और वहाँ पर भी ऑक्शनिंग होता है औरत का जो है वो कहीं यार बाहर बाहर शादी करने का निर्णय लेती है तो उसके ऑक्शन भी होते हैं, वो अपने आप ज़मीन कहीं और लेके जो है वो अपने इस पे लेके नहीं जा सकती। तो इसलिए मैं जानती हूँ ये कोई आपके सवालों के जवाब हो नहीं रहे हैं, पर मुझे क्या लगता है आप जो ऑर्गेनाइजर्स हैं गुड्डी जी, नीरज जी, मखदूम जी, आप क्या करिए सारे जो सत्रों के जो जवाब हैं ना इनको इकट्ठा करके कुछ थोड़े फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस के कुछ एक एक पैराग्राफ में हम कोई अब ये कहते कास्ट एंडोगैमी की संकल्पना आसानी से बताइए। मैं सिर्फ दो सेंटेंसेस में बताऊंगी कि कास्ट और एंडोगैमी जो अंबेडकर साहब ने कहा था वो ये था कि आपको जाति व्यवस्था को एक आपकी जाति कौन सी है ये अगर आपको डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप जो उसके आसपास जो आपके ऊपर फेंसिंग जो करेंगे वो फेंसिंग आप औरतों के शादी का करेंगे कि हमारी शादी इन्हीं लोगों के बीच में होती है इसलिए हम इस जाति के हैं।
ये एंडोगैमी एंड कास्ट है, और इसलिए आप देखते हैं कि दंगे फसाद जब होते हैं तो दूसरी कौम के औरतों के ऊपर बलात्कार करना ये सिर्फ उस वक्त का मजे लेना नहीं है, इट इज अ फॉर्म ऑफ टॉर्चर। और उस पूरी कौम को ये बताना है कि देखो तुम्हारी सबसे जो बड़ी प्रॉपर्टी है तुम्हारी औरतें, उनको आप नहीं रख सके, और अब आप खड़े रह के कैसे कह सकते कि आप कौन है, क्योंकि आपके बीच में हमने हमारा एडल्ट्रेशन डाल दिया है। अब आप कह नहीं सकते कि व्हाट नेशन आर यू, व्हाट पीपल यू आर। तो रेप इज अ डेफिनेट इंस्ट्रूमेंट नॉट ओनली ऑफ टॉर्चर बट ऑल्सो ऑफ जीनोसाइड। ये बाकी मैं, मुझे माफ करिए, मैं सही में ले नहीं सकती, इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि अगला सत्र भी होना है, पर मैं जरूर पढ़ूंगी, ये सारे पढ़ूंगी, और इसके बारे में मैं जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ में मैं जरूर चर्चा करूंगी। धन्यवाद।